Reaction TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. रिएक्शन टीवी वालों ने मुझसे एक सवाल भेजा है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुस्लिम ममालिक के बादशाहों को खतूत भेजना कैसा है। तो मैं इसी सिलसिले में अपना ऑडियो मैसेज उनको रवाना कर रहा हूं। रिएक्शन टीवी उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस नाचेज़ को इस लायक समझा उन्होंने और ये सवाल मुझसे किया है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि कुछ ना करने से कुछ करते रहना ज़िंदगी की अलामत है, कुछ ना करना मौत की अलामत है। जिस तरह से कि इंसान जब मर जाता है तो कुछ नहीं करता और जब ज़िंदा होता है तो कुछ ना कुछ उसके हाथों से पैरों से आमल दखल सरजद होते रहते हैं। लिहाजा मैं सऊद भाई पौने की इस मुहिम को जो उन्होंने मुस्लिम ममालिक के बादशाहों को आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कारिस्तानियों के ताल्लुक से जो बताने की मुहिम उन्होंने छेड़ी है उसकी मैं लाखहा बार सताइश करता हूँ और उनकी तारीफ़ करता हूँ और उन लोगों से बहुत बेहतर लाखहा दर्जा बेहतर मैं मानता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना मकसद सिर्फ फ़ोटो खिंचाना और अपना मकसद खुद नुमाई और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी का वो लोग ख्याल रखते हैं। तो लिहाजा सऊद भाई पौने का ये अमल जो उन्होंने शुरू किया है कि मुस्लिम ममालिक के बादशाहों को ख़त लिख करके हिंदुस्तान में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है, मैं इस बात की तारीफ़ करता हूं और इस बात को लायक सताइश मानता हूं। और मैं ये मज़ीद और आम आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जनाब सऊद पौने भाई को इस बात की भी तरफ तवज्जो देना चाहिए कि उन्हीं लेटरों को अपने हिंदुस्तान में, मैं इस बात को करता रहा, इस काम को करता रहा हूं और तकरीबन आइंदा भी करता रहूंगा, लेकिन उसका मामला मेरे साथ है। अब चूंकि खुले आम तौर पर सऊद भाई पौने ने इस बात की शुरुआत की है कि मुस्लिम ममालिक के तमाम लीडरान को इस बात की वो जानकारी दे रहे हैं तो उसी मुहिम में इस चीज़ को भी शामिल कर लें, हम तमाम लोग उनके साथ हैं कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में जो लोग भी हैं, जो बिरादरान वतन हैं, उन तमाम लोगों को भी इस बात से आगाह करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क चूंकि सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हर वो शख्स जो बालिग हो चुका है उसकी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। तो लिहाजा आम लोगों को, ख़ास लोगों को बताने के साथ साथ आम लोगों को भी इस बात को बताने की ज़रूरत है के 2 लाख लोगों की रोज़ी रोटी छीन करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो गुनाह का काम किया है उसको हम हिंदुस्तान के सबसे कोने में सबसे दूर दराज रहने वाले शख्स को बताने का काम करेंगे कि 2 लाख लोगों की रोज़ी रोटी को रोक करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 20 से 25 लाख अफराद के मुँह का नवाला छीन लिया है। मैं इस बात का भी कायल हूँ कि अगर इस काम में, मैं तो सऊद भाई पौने को अपना इस काम में अगुआ मानता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर इस काम में हमारे दोस्त अहबाब बहन भाई 100 की तादाद में अगर शामिल हो करके मुहिम के तौर पर इस काम को शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और जो आँख मिचोली का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने सियासी रुखसूख के बना पर कर रहा है उसको अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जितने भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। अगर 500 नहीं 100 की तादाद में भी लोग अगर साथ में मिल जाएं सऊद भाई पौने के और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर दें
तो मुल्क के बच्चे बच्चों को हम ये बताने में कामयाबी हासिल कर लेंगे कि ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो नाम निहाद अपने आप को मुसलमानों का लीडर मानता है, वो जितना ख़तरनाक मुसलमानों के लिए है उतना ख़तरनाक आज तक हिंदुस्तान में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। लिहाजा हर बच्चे को और हर आवाम को ये जानना चाहिए कि ये नाम लिहाज लीडर जिसने 20 लाख अफराद की रोज़ी रोटी रोकी है, उसको हम नंगा करके रहेंगे और उसकी गलत कारिस्तानियों को हम बता करके ही दम लेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिएक्शन टीवी उर्दू के ज़रिया से सऊद भाई पौने को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके इस इकदाम की मैं सताइश करता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त अहबाब जो भी मेरे साथ चलने का दम भरते हैं वो सब आपके साथ हैं। और मैं मानता हूँ कि 100 लोगों की तादाद में एक टीम बनाई जाए, उस टीम के ज़रिए से पूरे मुल्क में ईमेल के ज़रिए से, खतूत के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, तमाम ज़राए का इस्तेमाल करते हुए इन काले करतूत वालों का हम गंदा और नापाक चेहरा लोगों के आवाम के सामने लाने का काम करेंगे। बराए मेहरबानी सब दोस्त अहबाब इस बात पर तवज्जो दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।